गाइज, मैं आपको कभी भी बोलता नहीं हूँ कि मेरा वीडियो आखिर तक देखना, पर आज पहली बार एक स्कैम को एक्सपोज करने जा रहा हूँ तो ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको रमी कल्चर का एक स्कैम इस तरीके से आज एक्सपोज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारे ये भाई है, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ भी बनाते हैं, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गेम्स खेल रहे थे इस रमी कल्चर के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छे पोजिशन पर थे, सिर्फ उनके पास 15 पॉइंट थे। और अगर मैं आपको ओपोनेंट्स की बात करूँ, ओपोनेंट्स के कितने पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर देख सकते ओपोनेंट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि ओपोनेंट्स के कितने पॉइंट थे, तो देख सकते उनके सिर्फ 15 पॉइंट्स थे, और ओपोनेंट के आप देख सकते हर एक के 61 के ऊपर पॉइंट थे। यहाँ पर देख सकते उसके बाद उनको उनके साथ एक स्कैम होता है, वही स्कैम मैं आपको एक्सपोज करके दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर देख सकते उसके बाद उन्होंने ड्रॉप दिया, एक उनको ड्रॉप मिला, उसके बाद उनका पॉइंट्स हो गया 35, और बाकी के ओपोनेंट्स के पॉइंट देख सकते आप हर एक के 80 के अब होते। उसके बाद देख सकते फिर से उनके साथ क्या होता है, देख सकते एक एक यहाँ पर उनके साथ इस तरीके के कार्ड्स देते हैं रमी कल्चर, और हर एक के साथ करता है। यहाँ पर देख सकते हो छोटा गेम नहीं खेल रहे थे वो, देख सकते यहाँ पर 2000 का गेम खेल रहे थे। यहाँ पर देख सकते उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि यहाँ से वो 10,800 रुपया जीत सकते थे, पर देख सकते तीन लोगों को यहाँ पर नो ड्रॉप था, एक का 100 100, दूसरे का 81 पॉइंट था, एक का 74 पॉइंट था। और यहाँ पर देख सकते हमारा भाई था, उसका 35 पॉइंट था, सिर्फ 35, और उससे पहले तो उसके 15 पॉइंट ही थे। उसके बाद उनको एक ड्रॉप मिला, उसके बाद फिर से एक हैंड आया इससे, जो कि कोई भी खेल नहीं सकता, जिसको रमी का थोड़ा सा भी नॉलेज है वो बिल्कुल ऐसा गेम यहाँ पर खेलेगा नहीं। तो देख सकते इनके यहाँ पर पॉइंट्स आप देख सकते कि 35 पॉइंट्स थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते चारों को नहीं यहाँ पर गेम प्ले कर लिए। तो हमारा भाई क्या करता है आप देख सकते कि 35 पॉइंट पर हमारा भाई है, तो देख सकते भाई ने यहाँ पर ड्रॉप दे दिया। अब हम अगर बात करें तो भाई के पॉइंट्स हुए 55। अब मैं आपको ओपोनेंट्स के पॉइंट दिखाता हूँ कि ओपोनेंट यहाँ पर गेम डिक्लेयर कर देते हैं, और उसके बाद ओपोनेंट्स के पॉइंट अगर यहाँ पर हम बात करें पॉइंट्स की, तो देख सकते हमारे भाई के पॉइंट्स थे सिर्फ और सिर्फ 55, और ओपोनेंट के देख सकते एक का 86, एक का 100 था। तो यहाँ पर देख सकते उस भाई के लिए यहाँ पर ऑफर आया था 6,000 रुपये का, पर उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर उनके पास उनके हाथ में दो ड्रॉप्स थे, और दो ड्रॉप्स यहाँ पर दे सकते थे। इसके लिए कोई भी मैं भी अगर उनके जगह पर होता तो मैंने भी ऐसा रिस्क नहीं लिया होता। और क्या आप सबको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस था, पर फिर से देख सकते उनके साथ फिर से यहाँ पर एक बड़ा स्कैम होने जा रहा था, और वो भाई को पता भी नहीं था कि किस तरीके का यहाँ पर स्कैम होने वाला था। यहाँ पर देख सकते बैक टू बैक उन 50 पॉइंट्स पे थे, 15 पॉइंट्स पर थे, और बैक टू बैक तीन ड्रॉप दे, अब हो गए 75 पॉइंट्स पर। अब अगर हम ओपोनेंट्स की बात करते तो एक ओपोनेंट के थे 100 पॉइंट्स, एक के थे 86 पॉइंट। अब यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ, गेम हो जाता है एक ओपोनेंट का, और उसके बाद देख सकते यहाँ पर गेम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे भाई के कितने पॉइंट थे, तो भाई के हमारे थे 75 पॉइंट। एक ओपोनेंट था उस वो यहाँ पर मुझे लगता है कि बात होने वाला है, तो देख सकते एक ओपोनेंट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो 86 और 75 यहाँ पर भी फिर भी भाई के पास चांस था। तो एक गलती मैं कहता हूँ कि आप भी मत करें, यहाँ पर भाई ने लेना चाहिए था, क्योंकि देख सकते इस हिसाब से कार्ड्स आए थे, बैक टू बैक भाई ने तीन ड्रॉप दिए थे, तो यहाँ पर भाई को ये रिस्क नहीं लेना था। 6,300 भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़ा अमाउंट होता है, पर भाई को लगा ऐसा कि यहाँ पर एक चांस ले सकते, तो इसके लिए उन्होंने फिर से एक बार चांस लिया। और देख सकते फिर से इनके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ कि बैक टू बैक ये 15 पॉइंट्स पर थे, और ऐसे कोई भी सोच सकता था कि वो पूरा यहाँ पर जो पुल था वो जीत सकता था, पर देख सकते लास्ट में उनके साथ क्या हुआ। और डेफिनेटली लास्ट को उनको तो लेना ही पड़ा, उन्होंने भी स्प्लिट कर दिया था लास्ट में, क्योंकि अब तो इतना खराब कार्ड्स आए थे कि उन्होंने लास्ट में रिस्क लेने की सोचा भी नहीं, और देख सकते 5,400 रुपये वो यहाँ से जीत गए। पर यही चांस अगर उन्होंने पहले लिया होता, यही अगर वो जब 7,000 रुपये उनको मिलता था, अगर तब उन्होंने इस तरीके का चांस लिया होता तो वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते थे। पर यही मैं आपको स्कैम बताता हूँ जो रमी कल्चर ने उनके साथ किया। यहाँ पर देख सकते जब भी अगर इससे आपको क्या सीख मिलती है कि जब भी आप रमी कल्चर के ऊपर खेलोगे ना गाइस, तो आपको करना क्या है कि रमी कल्चर के ऊपर ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, जितना आपको मिलेगा उतना अमाउंट ऐसे लेना है आपको, और वहाँ से स्प्लिट करना है। नहीं तो भाई ने जिस तरीके से गलती की, मैं तो गलती नहीं बोलूँगा उसको, पर उस तरीके से उन्होंने तो सही किया था, क्योंकि इतना कम पॉइंट उनके पास था, पर फिर भी जो रमी कल्चर ने उनके साथ स्कैम किया वही स्कैम मैंने आज आपके साथ एक्सपोज किया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है गाइस, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।